गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी एक छोटे कद की महिला ने उनका रास्ता रोक लिया। महिला ने भोजपुरी में कहा कि हम वृक्ष तरे बानी, हमें केहू रोक ना सकेला, लेकिन जोगी जी की खातिर हम रुक गयी, हमका आवास चाहिए। उसके अंदाज को देख कर लोगों ने जय श्री राम का जय घोष किया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस महिला को आवास दिलाने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि जनपद के बड़हलगंज निवासी आशा देवी जनता दरबार में देर से पहुंची थी। उसे हिंदू सेवा आश्रम सभागार में जाने से सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। वहीं गेट पर ही रुककर मुख्यमंत्री योगी का इंतजार करने लगी। करीब दो घंटे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बाहर आए तो आशा देवी ने आवाज देकर उनका रास्ता रोक लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसके पास पहुंचे और फरियाद सुनी। आशा ने मुख्यमंत्री से अपनी पीड़ा सुनाई और उनसे एक आवास की मांग की। तब सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि इसका एप्लीकेशन ले ले, लेकिन आशा देवी एप्लीकेशन की कोई कॉपी लेकर नहीं आई थी। एप्लीकेशन उसके मोबाइल फोन में था। इस पर सीएम ने कहा कि अरे मोबाइल फोन में एप्लीकेशन बताएंगी। मुख्यमंत्री की बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। आशा देवी ने अफसरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पूछ लीजिए, हम यहां भेज दिए हैं, हम कप्तान साहब को भेज दिए हैं, मेरा काम करा दीजिए। इस पर मुख्यमंत्री ने डीएम गोरखपुर को निर्देशित किया कि महिला को तत्काल आवास उपलब्ध कराया जाए। उसका एप्लीकेशन ले लेंगे। देखिए एक बात, अरे मोबाइल फोन का एप्लीकेशन बताएंगे? नहीं नहीं, हम आपके यहाँ से पूछिए। मकान तो है, एप्लीकेशन अपना मोबाइल फोन से भेजिए उनके पास। ना तो भेज दिया गया, पांच सात लगे बजाय यहाँ पे बजे, हम फोन में बातें मुझसे वाला। हाँ, देखिए आवाज कितना देता है, जितना आवास चेक नहीं कोई करते ऐसा। हम वृक्षा तो हमारे सनदी जवान से क्यों रोकना सकला जोगी जी के, हम रोक लेते। आप एक काम करिए, ये एप्लीकेशन